डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। भोजपुरिया सेना हमने नहीं बनाया, हम सबने बनाया है। भोजपुरी भाषा भाषी और बिहार के बहुत अदर भाषा भाषी के लोग भी, जैसे मैथिली, मगही, अंगिका, बधिका, इन सभी भाषा भाषी के जो लोग हैं, उन लोगों ने भोजपुरी में आई इस तरह की अश्लीलता के विरुद्ध एक मोर्चा खोला है, और उस मोर्चे का नाम सभी लोगों ने भोजपुरी सेना रखा है। और 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमें ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप स्वयं गीतकार हैं। गीत का जन्म गीतकार से होता है, गीतकार की कलम से होता है, गीतकार के दिमाग से होता है। तो आपने भोजपुरी में 600 से ऊपर फिल्मों में गाने लिखे हैं, 20,000 से ऊपर आपके गीत आए हैं बाजार में। आपको सभी गायक और गीतकारों से प्यार है, सानिध्य है, सबके सबसे आपकी जान पहचान है। तो सबसे पहले आप इन भाइयों को अनुरोध करिए कि आप लोग भोजपुरी को, जिसको हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, अपनी माँ का स्वरूप इतना गंदा न करें कि हमें लज्जित होना पड़े और हमारे गाने हमें ही सुनने के लिए कष्ट हो। इसलिए आप इस पदभार को संभालिए और भोजपुरी की, भोजपुरी में जो आई अश्लीलता है उसको दूर करने का प्रयास करें। बिहार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी को ज़्यादा गंदा करते हैं। जी, मैं आपके बात से बहुत सहमत हूँ। हमारे कुछ पत्रकार मित्र और कुछ हमारे ऐसे भी शुभचिंतक हैं भोजपुरी के, जो शायद हमारी बात को बहुत गहराई से नहीं लेते। इस बिहार में 5 भाषा है मुख्य रूप से, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बजिका। और आप देखेंगे तो अंगिका, मैथिली, मगही, बजिका किसी भी भाषा में इतने गंदे गीत नहीं आते हैं जितनी गंदगी हमारी भोजपुरी गीतों में रहती है। इसका एक कारण ये भी है, वैसे कारण सिर्फ एक यही नहीं है। कोई कोई कहता है आप तो सीधा श्रोता को दोष दे देते हैं। नहीं, देखिए, भोजपुरी में आई गंदगी का कारण एक नहीं है, लेकिन मुझे एक कारण जो ज़्यादा दिमाग को हट करता है ना, जो दिमाग को चोट पहुँचाता है, हंट करता है, वो ये है कि हमारे यहाँ के श्रोता भी इन गानों को पसंद करते हैं। आज मैथिली भाषा में कोई आदमी क्यों गीत नहीं गाता, इसलिए कि वो गाने मैथिली भाषा भाषी के लोग सुनते ही नहीं। और जिस गायक ने ये इस तरह के गाने अगर कभी इक्का दुक्का गा भी दिया, उस गायक के दरवाजे पे मैथिली भाषा भाषी के लोग, अंगिका बजिका के भाषा भाषी के लोग जो हैं दरवाजे पर पहुँच करके और इतनी बेइज्जती करते हैं कि दोबारा वो आदमी गाना गाता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, एका दुका केसेज हुए हैं। तो अभी जो भोजपुरी में गंदगी आई है उसका कारण जो है हमारा श्रोता समूह भी है, हमारा ये जो कंपनियाँ हैं वो हैं, यूट्यूब चैनल हैं, हमारे गायक हैं, हमारे गीतकार हैं, हमारी थोड़ी बहुत सरकार भी है, क्योंकि ऐसे गानों के ऊपर जो केस हुए हैं उस पर सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन नहीं लिया। खुद माननीय नीतीश कुमार जी पे गाना आया कि साइकिल लड़ाओ तो या नीतीश कुमार का माल ही है। क्या हुआ, 2-3 दिन के लिए थाने पे गया, जेल गया, छुटके आ गया। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार इस तरह के जो औरतों के अंगों पे गाना हो, किसी नेता के नाम पे गाना हो, आज नीतीश कुमार जी के नाम पे गाया, कल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पे गा देगा लोग। तो मेरा कहना है कि ऐसे गानों के जो भी गीतकार हैं और गायक हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे पहले बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने यही बात आज से 3-4 महीना पहले खेसारी लाल जी के बारे में कहा। खेसारी लाल जी ने अपने प्रशंसकों से क्या गाली नहीं दिलवाया, मुझे कह कर के गाली दिलवाया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल अगर भोजपुरी के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, भोजपुरी के गॉड हैं, 3 टावर हैं जैसा वो लोग बोलते हैं, मैंने दिनेश लाल जी को कभी बोलते नहीं सुना है, और पवन सिंह जी को भी कभी सुना नहीं, लेकिन खेसारी लाल जी को सुना, पत्रकार ने स्वयं मुझसे कहा। तो मैंने यही कहा था कि अश्लीलता जो है वो दूर करेगा कौन। आप अगर भोजपुरी के गॉड हैं, आप लोग भोजपुरी के अगर तीनों
ट्रिपल स्टार हैं, तीनों सुपर स्टार हैं, तो हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्यों भोजपुरी से अच्छे गाने चले गए, क्यों सामाजिक संस्कृति वाले जो गाने चले गए, क्यों हमारी महिला दर्शक पलायित हो गई, क्यों हमारे भोजपुरी के प्रोड्यूसर बर्बाद हो गए, हीरो को छोड़ करके कोई कमा नहीं रहा है जैसा इंडस्ट्री बोल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये गंदगी जो गानों में आई है, कुछ बड़े स्टारों पे भी कार्रवाई हो, उनके गानों को भी रोक लगाया जाए, उनके फिल्मों को बैन किया जाए। और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, पहले तो इन कलाकारों से अनुरोध करूँगा कि ऐसे गाने न गाएं, ऐसे गाने न लिखें जिससे भोजपुरी जो है कलंकित हो। और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि थोड़ा कठोर कानून बने, कानून बनाया जाए और कुछ लोगों को जेल होना चाहिए ताकि बाकी लोग सुधर जाए। कानून में किस तरह का कानून होना चाहिए कि इस पर रोक लगाया जाए? देखिए, जैसे मान लीजिए सेंसरशिप, अब तीन तरह का सर्टिफिकेट आता है, यू सर्टिफिकेट है यूनिवर्सल, यू ए यूनिवर्सल एडल्ट और ए एडल्ट, ये तो सिनेमा के लिए है। आजकल मैक्सिमम गाने जो हैं, मैक्सिमम गाने ऑडियो के साथ वीडियो बनते हैं उसके, तो हमारे कहने का मतलब है कि आज जो भी गाना किसी भी ट्यूब चैनल पे, किसी भी साइट पे, किसी भी चैनल पे आए तो सेंसर होकर के, जब सेंसर का नियम लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आधी गंदगी समाप्त हो जाए। तो सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि कोई भी विजुअल, कोई भी ऑडियो वीडियो विदाउट सेंसर रिलीज के लिए बाजार में ना आए। और सरकार अगर इस बात को समझ लेती है तो मुझे लगता है कि आधी गंदगी अवश्य दूर हो जाएगी। आर्टिस्ट को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार पहले भी होता था, एक ज़माने में भी सामाजिक बहिष्कार होता था। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह के गाने श्रोता सुने ही नहीं, और सामाजिक बहिष्कार भी इन लोगों का हो। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार के बाद दूसरी बात आती है, सरकार एक कानून बनाए कि कोई भी गाना इस तरह का आता है तो वैसे व्यक्ति पे जो कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा, उस प्रावधान के तहत उनको सजा हो, ताकि जो बाद के जनरेशन वाले लोग हैं या जो अभी गा रहे हैं उनकी गायकी पे, उनकी अश्लील गायकी पे मतलब एक तरह से रोक लगे और भोजपुरी की शुद्धता बरकरार है। देखिए, एक बात बताता हूँ, आवाज आई है तो कांच टूटा होगा, बहुत गहराई से मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह ये जोड़ी सुपरहिट रही है भोजपुरी फिल्मों में, बहुत सारी हिट फिल्में इन लोगों ने दिए हैं। तो एक साथ रहने पे प्यार भी हो जाता है, दुश्मनी भी हो जाती है। हम तो इतना ही कहेंगे कि कांच टूटा है तो आवाज़ आई होगी। वास्तविकता कितनी हो सकती है? वास्तविकता के बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता कि ना मैं पवन सिंह के साथ रहता हूँ, ना मैं अक्षरा सिंह के साथ रहता हूँ। मेरा आना जाना बम्बई है, इतना ही। जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं अपना 90% टाइम, 90% समय राजनीति में, सामाजिक जीवन में अपनी जनता को देता हूँ। 10% जो है हमारा वो गाना लिखता हूँ। गाना लिखने तक का मतलब होता है, गाना लिखा या से व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया, गाना चला जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, मेरा पैसा जो मिलना है मिल जाता है। व्यक्तिगत रूप से भोजपुरी में अश्लीलता को हटाने के लिए आगे क्या करने वाले? देखिए, आगे तो सबसे पहले हमारे जितने जूनियर हैं, हमारे पीछे जितने कलाकार हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मिल करके अनुरोध करूँगा कि अब बहुत ऊपर चली गई है बात, पानी नाक से ऊपर जा रहा है, जीने दो यारो, इस भोजपुरी को जीने दो, इस भोजपुरी को अब और कलंकित करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद चूंकि मैं सरकार में हूँ, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल जो हैं जिनके माध्यम से ये गाने आ रहे हैं, सबसे पहले उन पे रोक लगवाऊं कि वो लोग गाने लें ही नहीं कि बाज़ार में गाना पहुंचे। अब वो लोग लेंगे ही नहीं, अगर वहीं उसी क्षेत्र को बंद कर देंगे
उसी भूल को बंद कर देंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि सेंसरशिप और YouTube पर जो कार्रवाई हो, ये दो कार्रवाई के बाद मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी की गंदगी जो है उसमें बच जाएगी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग हैं, दूसरी भी तो गंदगी फैलाई जा सकती है, सारे सोशल साइट पे बैन करना पड़ेगा। सोशल साइट में देखिए, उसको उसको बंद नहीं करने जा रहे हैं, और उसको बंद करने का मैं अनुरोध नहीं करूँगा सरकार से। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से सिनेमा में यू सर्टिफिकेट होता है, यू ए सर्टिफिकेट होता है, और एडल्ट का ए सर्टिफिकेट होता है, हम कहते हैं कोई भी विदाउट सेंसर किसी चैनल पे, किसी ट्यूब पे ना, इससे बहुत सारा मतलब कि गाना छट जाएगा। दूसरी बात, जो उसके बाद जो गाने बचते हैं तो यूट्यूब जितने चलाने वाले हैं उनके लिए एक अगर कानून बन जाए कि आप ऐसे गाने नहीं आप अपने साइट पे डालेंगे, तो मुझे लगता है उससे भी थोड़ा, उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसके बाद रही बात कलाकारों से मिलना, सामाजिक जागृति लाना, तो मुझे लगता है कि समाज जग गया है, समाज अब इसका विरोध करने लगा है, और ये विरोध थमने वाला नहीं है, तो एक दिन सफलता मिलेगी। और वो भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, भोलानाथ गहमरी जी, और कभी किरण कांत जी, कभी नीरज जी, ऐसे बहुत सलीके हमारे लक्ष्मण शाहबादी जी, इन लोगों की आत्मा जो कहीं भी हैं, इन आत्माओं को संतुष्टि मिलेगी, और हमें भी अच्छे गाने लिखने का सौभाग्य मिला। मुझे भी जो तकलीफ है, मैं भी अपनी तकलीफ से मुक्त हो जाऊं। देखिए, आरोप तो सत्य है, तूफानी लाल जी ने गाना गाया है, और उनको इस तरह का गाना गाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी लड़की के ऊपर इस तरह का अश्लील गाने, खासकर गाली, मैंने देखा है, गाली है, गाना क्या, गाली है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अंतरा जी को भी बोलूँगा कि वो भी अपने गानों में सुधार लाएं। वही तो बता रहा हूँ कि अंतरा जी ने भी हद कर दिया है। वो जितना गंदा गाना गाई हैं, उतना गंदा गाना तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार, 32 जिले की भोजपुरी है, शायद ही कोई महिला सिंगर है जो उतना गंदा गीत गाई है। और उसने ये कह दिया कि मैं मैथिली भाषी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि अगर ये बात सत्य है, तो उसको कोई आदमी एक रखना चाहिए कि जो गानों का मायने मतलब समझाए। खानी ने ये भी आरोप लगाया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा वो बेबुनियाद है, अंतरा सिंह मेरे कंधे पे पैर रखकर। अभी तूफानी लाल यादव का कंधा इतना मजबूत नहीं है, इतना बड़का स्टार नहीं है, इतना बड़का गवैया नहीं है। ये बात तो मनोज तिवारी और भरत शर्मा नहीं बोल सकते, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं वो, ये कोई बात है। खानी ने तो ये तक कहा कि हमने बहुत बुरी संस्कृति में गाने का काम किया, इसीलिए मुझे बदनाम किया जा रहा है। गलत बोल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग तूफानी के लिए नहीं रखे हैं, और ना ही प्रियंका के लिए रखे हैं। हमें यह अश्लीलता मिटाने के, अश्लीलता के सबसे बड़ी रचयिता जिसका आप नाम ले रहे हैं वो अंतरा सिंह प्रियंका है, और तूफानी लाल यादव तो उसके और 10 कदम आगे जा चुका है। हम कहते हैं कि किसी भी महिला के अंग का नाम लेकर के कौन अब देश प्रेमी प्रेरणा है, जितने भी सिंगर हैं, आखिर किसको ये अधिकार मिला किसी महिला के अंग का नाम लेकर गाने, किसी महिला को खुलेआम गाली दे रहा है। YouTube चैनल पे मनोज तिवारी के भी गाने हैं, विनय बिहारी के भी गाने हैं, कल्पना के भी गाने हैं, मेरे भी गाने हैं, भरत शर्मा के गाने हैं। अगर कोई घर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, गाँव में एंड्रॉयड फ़ोन है, हर आदमी YouTube पर कोई गाना देख रहा है, देख सुनाना तूफानी लाल यादव का गंदा गाना आ रहा है। मैं कहता हूँ, मैं बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि तूफानी लाल यादव जैसे या अंतरा जैसे सिंगरों को तुरंत जेल भेजा जाए, नॉन अवेलेबल दफा लगा के बैन किया जाए, आजीवन के लिए उनको जेल भेजा जाए। महिलाओं के, बिहार की महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवा रहे हैं वो, अंतरा किसी की भी बेटी हो, कहीं की हो, सीतामढ़ी को या जहानाबाद की हो, है तो बिहार की बेटी ना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप,
सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।